हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक यू टू एक्सएमएल कॉन्सेप्ट पे हम कैसे काम करेंगे, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम एक्सएमएल डेटाबेस से डेटा को कैसे फिच करेंगे। ओके, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे हम जो रिकॉर्ड हमारा एक्सएमएल फाइल में अवेलेबल है उसको वहां से फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक यू, और हम यहां पे लाके ग्रिड व्यू या रिपीटर कंट्रोल में कैसे शो करेंगे अपने पेज पे। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मिशन 50K सब्सक्राइबर पूरा करना है, तो उसके लिए बिना आपकी हेल्प से तो ये हो नहीं पाएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो यार, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक तो आपको ऐड कर लेना है एक पेज, एक वेब पेज ऐड करना है। यहाँ पर जो पेज मैंने लिया है उसका नाम क्या है, travel.axpx, ये पेज हमने ऐड कर लिया, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंपल मैंने एक टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे देखो एक तो हेडिंग दे दिया, हेडिंग में लिखा मैंने ट्रेवल एनालॉग। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। टेबल के अंदर ये फर्स्ट रो है, इस रो में सिंपली मैंने एक ड्रॉप डाउन ले लिया है, ड्रॉप डाउन का जो आईडी है DDL कॉन्टिनेंट, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करना है, और यहाँ पर एक सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट एक होता है इसका, तो उसको आपको जनरेट करना है, सेलेक्टेड चेंज इवेंट, तो ये इवेंट आपको जनरेट कर लेना है। देन उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में जब आप आओगे तो इसके अंदर आपको बनाना है पड़ेगा एक कॉलम, और इस कॉलम के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया है, रिपीटर कंट्रोल, राइट। अब रिपीटर कंट्रोल में जो भी रिकॉर्ड हमारा आएगा ना, वो इसी कंट्रोल में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हेडिंग होता है, ये हेडर टेम्पलेट। हेडर टेम्पलेट में यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग मेंशन किया है कि फर्स्ट इज लोकेशन, फिर कॉन्टिनेंट, इमेज और प्राइस, राइट, कि कौन सा लोकेशन है, क्या कॉन्टिनेंट में है वो लोकेशन, उसका एक इमेज दिखा दो, सपोज ये एक तरह का ट्रैवल ब्लॉग जैसा कुछ है ना, और उसका प्राइस कितना होगा अगर उस डेस्टिनेशन पे किसी को जाना है। तो सिंपल ये एक आपका बन गया इनसाइड द हेडर टेम्पलेट। अब बात करते हैं आइटम टेम्पलेट, जो हमें विजिबल करना है, जो हमें डिस्प्ले करना है जब हमारा पेज लोड हो। तो फिर से हमने आइटम टेम्पलेट के अंदर एक रो क्रिएट किया, तो फर्स्ट हमारा रेजर सिंटैक्स की हेल्प से क्या आएगा, नेम आएगा, कॉन्टिनेंट आएगा, एक इमेज आएगा, और यहाँ पर आएगा उसका प्राइस। इमेज के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक फोल्डर मैंने यहाँ पर ऐड किया है, फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, और इस फोल्डर के अंदर आप देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे इमेजेस, JPG टाइप के, PNG टाइप के, कुछ भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस यानी टोटल 10 इमेजेस यहाँ पे मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। और इनका नाम भी मैंने मतलब उस कंट्री या उस लोकेशन के नाम के हिसाब से मैंने चेंज कर रखा है। तो बस सिंपल ये इतना यहाँ पे ले लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक XML फाइल ऐड करना है। आता है आपको XML फाइल ऐड करना, देखो कुछ भी ऐड करने की बात आए, जब .NET में कुछ भी ऐड करने की बात आए तो याद रखना आपको सिर्फ जो आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वहां जाना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, देन ऐड पे आ जाना है। इसके बाद आप ऐड न्यू आइटम पे चले जाओ, या फिर आपको यहीं पर नीचे साइड में कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट आपको फाइलें यहाँ पे दिख जाती हैं। जैसे कि अगर मुझे XML ऐड करना है तो यहाँ पर देखो XML फाइल पर ऐड, देखो ये आ गया, यहाँ पर फाइल का नाम दो, ओके पे क्लिक करो, ये फाइल ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, XML फाइल ऐड करना है। अब XML फाइल आप जानते हो, उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ डेटाबेस, परफेक्ट। अब XML फाइल में हमने क्या बनाया, ध्यान से देखना। सबसे पहले ना हमने बनाया एक लोकेशन नाम का पैरेंट टैग, एक टैग बनाया, जैसे HTML में होता है ना, हेड, बॉडी, ये सारे टैग होते हैं, तो XML में भी हम टैग के बेसिस पे काम करते हैं। तो सबसे पैरेंट टैग क्या हो गया, जो सबसे पहला टैग होगा, तो लोकेशंस नाम से हमने एक टैग बनाया, तो ये हमारा हो गया पैरेंट टैग, आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में लोकेशंस क्या है, क्लोज है। अब लोकेशंस के अंदर हमने क्या क्रिएट किया है, हमने लोकेशन क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे आप देख पा रहे हो, अब देखो लोकेशंस के अंदर क्या है, अगर आप देख पा रहे हो, लोकेशन, लोकेशन ओपन, लोकेशन क्लोज हो गया, ठीक है, दैट इज द पैरेंट टैग। अब इसके अंदर चाइल्ड टैग, कितने चाइल्ड टैग है, टोटल 9, ओके। अब एक चाइल्ड टैग है क्या, लोकेशन। अब इस लोकेशन के अंदर फर्दर आपको यहाँ पे चाइल्ड टैग आपने बनाया है, क्या बनाया आपने, नेम, कॉन्टिनेंट, इमेज और प्रोसेस, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, अगर मैं, मुझे अगर रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने कहा लोकेशन के अंदर जितना भी नेम, कॉन्टिनेंट, इमेज और प्राइस है इसको फेच करना है अपने को, ठीक है। तो इसके अंदर एक सिटी का लोकेशन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, उसी तरह मैंने दूसरी सिटी का लोकेशन यहाँ पे और उसका डिटेल, बेसिक डिटेल यहाँ पे सेट कर दिया XML के अंदर। और आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से हांगकांग हो गया, लंदन हो गया, ठीक है, फिर आपका मुंबई हो गया, इसी तरीके से टोटल 10 यहाँ पे कंट्री हैं जिनका रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है
कि जो हमारा ट्रेवल वाला पेज है, इस पेज पे जो हमने ये रिपीटर कंट्रोल यूज कर रखा है ना, इस रिपीटर कंट्रोल में रिकॉर्ड जो आएगा कहाँ से आएगा, हमारे XML फाइल से आएगा। ओके, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम लिंक क्यू यूज कर रहे हैं तो एरे पे कैसे काम कर सकते हैं, कलेक्शन पे कैसे काम कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप देख लो देखा। और यहाँ पर हमें ये करना है कि इसी XML फाइल से रिकॉर्ड हमें निकालना है और निकाल के हमें क्या रिपीटर कंट्रोल में शो करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ट्रैवल वाले पेज पे आ जाओ, इस पर राइट क्लिक करो। पहले तो हमें क्या करना है, इसके कोड सेक्शन में चलना है, व्यू कोड सेक्शन में आ जाओ। अब देखो अगर हम XML पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लिंक क्यू के साथ XML पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये system.xml.linkview, ये एक नेम स्पेस होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना इसकी हेल्प से आप XML यूज नहीं कर सकते। देन हमारा सेकेंड टर्म क्या है कि भाई जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, पेज के लोड इवेंट पे हमें लगाना इफ कंडीशन कि हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ या सेकेंड टाइम लोड हुआ। ठीक है, ये देखो इफ कंडीशन लग गया, यहाँ ओपन और यहाँ पे क्लोज। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ना हमें एक वेरिएबल बनाना है, इस वेरिएबल में बताना है भाई हमारा जो डेटाबेस हम जो यूज कर रहे हैं वो XML होगा, XML की फाइल होगी, और वो फाइल है कहाँ पे। तो यहाँ से फाइल का पाथ सर्वर डॉट मैप से आपने पाथ बता दिया, और फिर ट्रेवल यहाँ पे ट्रेवल डॉट XML ये आपके फाइल का नाम, ये फाइल है, और इस फाइल का लोड करो, कहाँ पर आएगा ये डेटा, ये देख रहे हो वेर डेटा वाले वेरिएबल में ये सारा का सारा फाइल लोड हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना, फिर हमने क्या किया, अब अभी तो सारा फाइल आ गया, उसमें लोकेशंस भी हैं, लोकेशन भी हैं, फिर नेम, कॉन्टिनेंट, इमेज, प्राइस, ये सारी चीज़ें हैं। पर अब मैंने कहा ऐसा करो ना, जो डेटा इस डेटा वाले वेरिएबल में लोड है ना, इसमें अब मुझे फिल्टर करना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेटा में से वो वाला एलिमेंट सर्च करो जिसका टैग का नाम क्या हो, लोकेशन। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ लोकेशन को ट्रैक कर रहा है भाई, लोकेशन वाला जो डेटा है सिर्फ वही, मुझे इस वाले लोकेशन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे, इस लोकेशन से, लोकेशन के अंदर ये जो अवेलेबल है चार फील्ड, बस इनसे मतलब है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि भाई डेटा के अंदर एलिमेंट जो है, कौन सा एलिमेंट, लोकेशन वाला एलिमेंट, वही वाला रिकॉर्ड निकालो और उसको इस टेबल वाले डेटा में, वेरिएबल में आप स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि फाइल कौन सी है और उस फाइल में से हमें कौन सा टैग हमें चाहिए। परफेक्ट, अब हमारा रिकॉर्ड टेबल में आ चुका है सारा रिकॉर्ड। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है, कॉन्टिनेंट करके एक ड्रॉप डाउन है, तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं जैसे कि एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी जो भी यूरोप वगैरह हैं, वो सारे हम कलेक्ट करके इस ड्रॉप डाउन में शो करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिंक क्यू चाहिए ना, लिंक क्यू की हेल्प से हम फिल्टर करेंगे ना। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, एक वेरिएबल बनाया कॉन्टिनेंट करके, एक वेरिएबल है, हमने बोला अभी हमारा रिकॉर्ड कहाँ पर है, टेबल वाले वेरिएबल में, हमने बोला फ्रॉम टी इन टेबल। तो ये तो पता है कॉन्सेप्ट है आपको, जब भी आप बनाते हो लिंक क्यू का कोड तो ऐसे आपको देखना, स्टार्ट करना होता है फ्रॉम से। अब टी इन टेबल, अब इसमें क्या करना, सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है जहां पे कॉन्टिनेंट इक्वल टू टी, टी का मतलब टेबल में अवेलेबल जो डेटा हो, डॉट एलिमेंट, और यहां पर देना है कॉन्टिनेंट डॉट वैल्यू और उसकी वैल्यू। तो कॉन्टिनेंट यानी कि आपको आना है कॉन्टिनेंट, इस वाले टैग में आना है, और इसकी वैल्यू क्या है, एशिया, हमें बस ये वैल्यू से मतलब है। ओके, तो ये मैंने बनाया वो क्वेरी लिंक यू की, जिसकी हेल्प से आप रिकॉर्ड फेच करोगे। अब जब ये रिकॉर्ड आ जाएगा तो मैंने बोला भाई अब मुझे फिर से फिल्टर करना है, मैंने कहा डिस्टिंक्ट, मतलब अगर कोई रिपीट हो रहा है बार बार तो उसका नाम सिर्फ एक बार इंक्लूड होगा। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या भाई डेटा टेक्स्ट फील्ड दिखाएंगे क्या और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोला कॉन्टिनेंट ही होगी, जो उसका टेक्स्ट जो भी हो वही होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम बाइंड कर देंगे, किसको बाइंड करेंगे, DDL कॉन्टिनेंट जो ड्रॉप डाउन है उसको बाइंड कर देंगे, एंड बाइंड करने के बाद जीरो इंडेक्स पे हम सेलेक्ट टेक्स्ट उसमें ऐड कर देंगे। परफेक्ट, तो इससे हमारा ये ड्रॉप डाउन बाइंड हो गया। ड्रॉप डाउन के बाद अब बात करते हैं रिपीटर कंट्रोल में कैसे बाइंड करना है। तो सिंपल, यहाँ पर हमारा रिपीटर कंट्रोल, डेटा सोर्स, अब डेटा सोर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, फिर हमने यहाँ पर यूज़ किया क्वेरी लिंक क्यू का, तो फिर हमने यूज़ किया लिंक क्यू की क्वेरी, आप देख पा रहे हो, फिर से फ्रॉम टी इन टेबल, फिर सेलेक्ट करो न्यू। अब क्या क्या सेलेक्ट करना है, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बोला नेम, पहला कॉलम क्या आएगा हमें बताना पड़ेगा ना, कॉलम नेम। तो नेम की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, आपके जो ये जो टेबल है, ये जो टी वाला ऑब्जेक्ट है, इस टी के अंदर एक एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट, नेम, उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो, इस लोकेशन हो गया, ये तो लोकेशन पूरा टी में है, इसके अंदर नेम है, इसकी वैल्यू क्या है, मुंबई, तो ये वो आपको दिखाएगा।
ठीक है, इसी तरीके से ये चलता रहेगा, जितने भी रिकॉर्ड आपके XML में होंगे उतनी दफ़ा ये चलता रहेगा। फिर वैसे ही कॉन्टिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फोटोज़ की वैल्यू निकालेंगे, प्राइस की वैल्यू निकालेंगे, एंड द लास्ट में आपका रिपीटर कंट्रोल को क्या कर देना होगा, आपको रिपीटर कंट्रोल को बाइंड कर देना होगा। एंड देन जो आपका आउटपुट आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पर आपको इस ड्रॉप डाउन में भी वैल्यू दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आपको इस पेज के लोकेशंस पे, यहां पे देखो ये जो पेज आपका लोड होके आया है यहां पर आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लोकेशन, कॉन्टिनेंट, इमेज और उसका प्राइस, परफेक्ट। अब एक और बात है इसमें, इसमें क्या है कि आपने जो ड्रॉप डाउन लिया था ना, तो ड्रॉप डाउन का एक इवेंट है ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट। जब ये इवेंट क्रिएट होगा ना तो आप देखोगे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आप देखो एक इवेंट यहाँ पे बना हुआ है। इसका काम क्या है, इस इवेंट का काम क्या है, सपोज करो अगर मैं इस ड्रॉप डाउन से अगर यहाँ पे यूरोप सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे वो सारे लोकेशंस आ जाएंगे जिनका कॉन्टिनेंट की वैल्यू क्या है, यूरोप। देखो ये भी यूरोप है, ये भी यूरोप है, सिर्फ दो हैं यूरोप वाले। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट करता हूँ तो वो यहाँ पे लोकेशंस आ जाएंगे जो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एक ही है आपका। फिर उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फिर से ही आप एशिया सेलेक्ट करोगे तो अब एशिया वाले सारे लोकेशंस आपको दिख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये देखो ये आ गया एशिया, दुबई एशिया। ठीक है, ये सारे लोकेशन आपके एशिया वाले हैं। तो ये हो कैसे रहा है, जैसे ही मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर हो रहा है। जब ये इवेंट फायर हो रहा है तो फिर से हमें यहाँ पर वही कोड करना पड़ेगा कि पहले तो मैं बताओ भाई कौन सा डेटाबेस है, क्या फाइल है और क्या डेटा है। तो ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाया कि अगर जो आपका ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन से जो भी वैल्यू आपने सेलेक्ट किया, मतलब सेलेक्टेड इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स को आपने सेलेक्ट किया अगर वो जीरो इंडेक्स है, इसका मतलब है कि आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया और हमें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, ए टू जेड जितना रिकॉर्ड हमारे XML फाइल में है, जो कि पेज के लोड इवेंट पे कोड हमने किया था, वही कोड हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, बट अगर आपने ड्रॉप डाउन से कुछ सेलेक्ट किया है, कि आपने किसी कॉन्टिनेंट को सेलेक्ट किया है वाकई में, एशिया पे क्लिक किया या यूरोप पे क्लिक किया, तो उस केस में ना हमारा इल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और इल्स पार्ट पे हमने क्या किया, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर एक वेयर कंडीशन लग जाएगा, वेयर टी डॉट एलिमेंट यानी कि कॉन्टिनेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू जो आपका DDL कॉन्टिनेंट है उसकी सेलेक्टेड वैल्यू के अगर बराबर होगी, देन वो वाला रिकॉर्ड हमें लाना है, सर्च करना है अपने XML से और फिर रिपीटर कंट्रोल में ला के सेट कर देना है। बस सिंपल सी बात थी ये कोडिंग, आपको बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा कोड है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जाके टेलीग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप वहाँ पे आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा, या फिर आप हमारे जो गिटहब अकाउंट है वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, टारगेट है अपना 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं जल्द से जल्द, और विदाउट आपके सपोर्ट से ये हो नहीं पाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें सोर्स कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वेरी। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।